मुगलों के साथ हुए युद्ध में सिखों को गुरु गोविंद सिंह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने देश के लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक होने के लिए और धर्म परिवर्तन न करने के लिए काफी प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह और उनका पूरा परिवार सिख धर्म का प्रतीक था। उन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाने का कर्तव्य अपने हाथों में लिया था, जिसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए वे लोगों को अपना धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे और मुगलों के खिलाफ एकता से लड़ेंगे या उनके उपदेश थे। कौन है वीर बालक? वीर बालक गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्रों को कहा जाता है जिन्हें मुगलों द्वारा मार दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, जिनकी उम्र 7 वर्ष और 9 वर्ष थी, दोनों को उनके पिता की आंखों के सामने जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, तथा बड़े पुत्र को गुरु गोविंद सिंह की आंखों के सामने उनका कलेजा निकाल दिया गया था। उन्हें ही वीर बालक के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में गजब की वीरता दिखाई और अपने धर्म के लिए अपनी जान दे दी। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे महान वीर बालकों का बलिदान व्यर्थ ना जाए, उनके बलिदान के बारे में लोग परिचित हो सकें, उनके बारे में अधिक जान सकें। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया, ताकि दोनों महान वीरों के बलिदान से सभी लोग प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।